Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अल्फाज, जुलेखा किचन से। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआ ठीक हूँ, मजे में हूँ। तो चलिए आज मैं क्या बना रही हूँ, रमजान स्पेशल। मैं दो रेसिपीज एक साथ कंबाइन की हूँ जिसका नाम है, एक तो सबसे पहले है मलाई चिकन सीख कबाब और दूसरी है बहुत ही हटके, बहुत ही डिफरेंट, जिसका नाम है ग्रीन सीख कबाब, जिसे आप हरियाली सीख कबाब भी कह सकते हैं। बट दोनों ही बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है, घर के हाजिर मसालों से क्विकली आसानी से बन जाती है। और अगर आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो डेफिनेटली पक्का आपको सॉफ्ट ही मिलेगी ये सीख, क्योंकि काफी लोगों की कंप्लेन रहती है सीख थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं बनती, लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो डेफिनेटली सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण इंग्रेडिएंट यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की, चलिए। आधा किलो चिकन का कीमा, वैसे मैंने थाई पोर्शन का करवाया, आप चाहे ब्रेस्ट पोर्शन का कर ले सकते हैं। धो के नितार के 10-15 मिनट मैंने साइड पर रख दिया था छन्नी के ऊपर। अब हल्का हल्का है ना ये जो कीमा है, इसे हल्का निचोड़ ले हाथों की मदद से, स्क्वीज कर ले और इसको ये जो मिक्सर जार है ना उसके अंदर डालते जाए। बहुत ज्यादा निचोड़िएगा, मतलब एकदम घसमन निकाल दीजिएगा। हल्का हल्का अगर आपको लगे कि पानी जैसा रह गया तो उसको निचोड़ लीजिए और इसमें मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। कीमे को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दीजिए। एक छोटा सा मिक्सर जार लीजिए, उसमें डाल दीजिए धोए हुए 12-15 पुदीने के पत्ते, 2 टेबलस्पून जितना धोया हुआ कोथमीर यानी कि हरा धनिया, ये है तकरीबन 7-8 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, मैं 3 हरी मिर्चा ले रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, ये बादाम है 10, मैंने इसके छील निकाल लिए। अब इसे बिना पानी डाले इस तरीके से छोटे जार में पीस लीजिए, ये देखिए एकदम बारीक हो गए ना, इसे साइड पर रख दीजिए और आप कीमे वाला जार ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए 1 छोटे चाय का चम्मच नमक, या नमक अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, 2 छोटे चाय के चम्मच भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला भी डाल दीजिए। अब नाम है मलाई चिकन सीख, तो मलाई तो डालनी ही पड़ेगी, तो हम मलाई डाल देते हैं। यहाँ 3 टेबलस्पून मैंने मलाई डाली है बाजार की, आप चाहे तो घर की भी दूध के ऊपर की मलाई ले सकते हैं, उससे आप पहले बिना दूध के लीजिएगा और अच्छे से फेंट लीजिएगा। 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। ये जो हमने दरदरा पीस कर जो बनाकर रखा है, कोथमीर पुदीना हरी मिर्ची और सब डालकर, ये सारा डाल दीजिए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जार में से सारा निकाल लीजिएगा। 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून मक्खन बटर डाल दीजिए, या फिर तेल या घी भी डाल सकते हैं मक्खन ना हो तो। 2 ब्रेड को इस तरीके से रफली चॉप करके डाल दीजिए हाथों की मदद से और इसे बहुत अच्छा पीस लीजिए। अच्छा, पीसने पर मुझे बीच में याद आया कि मैंने नींबू का रस तो डाला ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1 छोटे चाय का चम्मच नींबू का रस डाल देती हूँ और बहुत अच्छा इसे बारीक पीस लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए मिक्सर जार के अंदर बिना पानी डाले। ये देखिए एकदम बारीक मैंने पीस लिया, इसे एक बड़े से थाली में निकाल लीजिए या बर्तन में निकाल लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छे से निकालिएगा, जो भी लगा हुआ हो मिक्सर जार के अंदर वो सारा बहुत अच्छे से निकाल लीजिए। इसके ऊपर रख दीजिए एक स्टील की वाटी, गरम कोयला स्टील की वाटी के ऊपर रख दीजिए और क्विकली तेल घी या मक्खन डाल दीजिए और उससे ढक दीजिए और उसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए और इसे रहने दीजिए 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट होने साइड पर। चलिए तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं, कोयला फेंक दीजिए और एक बार मिक्स कर लीजिए मिक्सचर को चिकन के। अच्छा, जब आप मिक्स करेंगे आपको खुद ही से पता चलेगा कितना अच्छा सॉफ्ट और सिल्की टेक्सचर है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारी ये जो सीख है सॉफ्ट नहीं बनेंगी, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, 1-2 टेबलस्पून है ना मक्खन या फिर असली घी का डालकर मिक्स कर फिर इस तरीके से पोर्शंस कर लीजिए, इक्वली डिवाइड कर लीजिए। मैंने 12 पोर्शंस किए हैं, हल्का हल्का मैंने तेल से हाथों को ग्रीस किया, आप चाहें तो पानी से भी ग्रीस कर सकते हैं। जब ये 12 पोर्शंस डिवाइड हो जाए तो अब मैं तो कांडी में लगा रही हूँ इसे, आप चाहें तो जो सीख होती है उसी में ही लगा सकते हैं। एक कांडी लीजिए, हल्का सा हाथों को ग्रीस कीजिए तेल या पानी से और ये पोर्शन को कांडी पर लगाइए और इस तरीके से स्प्रेड आउट करते जाइए पूरी स्टिक के ऊपर। जब स्प्रेड आउट हो जाए तो इस तरीके से निशान देते जाइए सीख का, ये देखिए उंगलियों की मदद से, और ये बन गया हमारा एक
कच्चा जो सीख है वो हमारी एक बन गई है, इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारी सीख बना लीजिए। अच्छा, मैं सारी सीख 6 अभी बना रही हूँ और 6 रात को बनाऊंगी, तो मैं तो जो बाकी की 6 रहेगी उसे फ्रीज करके रख दूंगी। आप भी चाहें तो फ्रीज करके स्टोर करके रख सकते हैं, आप उसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालकर तकरीबन 1 हफ्ते तक रखकर खा सकते हैं। जब भी चाहें निकालें, थॉ करें और फिर फ्राई कीजिएगा। तो चलिए, ये सारी बना ली है मैंने। जैसे आप देख सकते हैं 2 प्लेट्स निकली हैं, 1 6 6 की, तो एक मैं फ्रिज में रख देती हूँ और एक को अभी बना लेती हूँ। फ्राई पैन या फ्लैट तवा इस तरीके से लीजिए, नॉनस्टिक रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए और चूल्हा मीडियम कर दीजिए, अच्छा गर्म हो जाए। उसके बाद जब गर्म हो जाए, मीडियम कर दे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी एट अ टाइम सारी एक साथ 6 सीख लगा दीजिए, बिछा दीजिए हमारे फ्राई पैन के ऊपर। अब आधे मिनट तक उसी साइड पर रहने दीजिए, मीडियम पे चूल्हा है, और जब आधा मिनट हो जाए, पीछे की साइड आपको लगे कि अच्छी बॉडी पकड़ा गई है हमारे ये सीख के अंदर, तो इसे उलट पलट करते जाएं बार बार हाथों की मदद से या तावीते की मदद से। चूल्हा उसके बाद फास्ट आंच कर दीजिएगा और चारों ओर से गोल्डन स्पॉट्स आने लगे तब तक तो समझिए ना 2-3 मिनट में गोल्डन स्पॉट्स आ जाएंगे, और बाय द टाइम 2-3 मिनट्स में गोल्डन स्पॉट्स चारों ओर से आने लगेंगे तब तक तो हमारे अंदर से चिकन गल भी जाएगी। बस जब चारों ओर से स्पॉट्स आ जाए फास्ट आंच पर, तो निकाल लीजिए सारी सीख को। ज्यादा मत पकाइएगा, क्योंकि ज्यादा पकाएंगे तो फिर वो ज्यादा चूई हो जाती है। बस 3-4 मिनट में तो आराम से गल जाएगी हमारी सीख। अच्छा, आप चाहें तो कांडियों के साथ एसिडस भी रख सकते हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा अपनी जो रोटी है उससे पुश मार रही हूँ ना नीचे, तो अपने आप जैसे देख सकते हैं आप निकल निकल के आ रही हैं। तो बस क्यों निकल के आ रही, क्योंकि वो सॉफ्ट इतनी है। चलिए, अब मैं इस तरीके से सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैंने प्याज भी रखी है साइड पर, पुदीना भी है, थोड़ा सा ऊपर से कोथमीर यानी कि हरा धनिया छिड़क देती हूँ। अच्छा, जो साइड पर जिसमें हमने बनाया है, फ्राई किया है फ्राई पैन के अंदर, हल्का सा वो जो फ्राई करा हुआ मक्खन होगा वो भी सारा इसके ऊपर लगा दीजिए, ब्रश कर दीजिए इसके ऊपर, सो दैट एकदम सूखी सूखी ना लगे और बढ़िया सी फ्लेवरफुल लगे। मैं सर्व कर रही हूँ हमारी मलाई चिकन सीख कबाब को हरी कोथमीर और पुदीने की चटनी के साथ। वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको पहले तो दिखा देती हूँ क्या सॉफ्ट बनी है। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं, बढ़िया मजेदार सी। पर मैं अभी आपको खा के दिखा देती हूँ, हमेशा जो मैं करती हूँ दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा कप टाइटली पैक्ड कोथमीर यानी कि हरा धनिया लिया है धोया हुआ, और आधा कप है ये, और 2-3 हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए, मैंने 3 डाली है, और ये है 1/4 कप धोए हुए पुदीने टाइटली पैक। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा बारीक ये देखिए पीस लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। ये है 1/2 किलो धोया हुआ और 10-15 मिनट छन्नी पे रख दिया था मैंने कीमे को, चिकन का कीमा है। ये है थाई पोर्शन, आप चाहे तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। हल्का सा निचोड़िए, एकदम जान मत निकाल दीजिएगा, हल्का सा निचोड़ कर इसे मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 छोटे चाय के चम्मच भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3 टेबलस्पून असली घी, आप मक्खन या तेल भी डाल सकते हैं, 1/2 या 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस, और ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है पानी बहुत ही कम डालकर पीसिएगा। हाँ, ये कोथमीर और पुदीने को इसका पूरा पेस्ट डाल दीजिए सारा। मैंने 1.5-2 टेबलस्पून दही को छन्नी के ऊपर छानने के लिए 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था, तो उसमें से 1 टेबलस्पून गाढ़ी एकदम गाढ़ी दही में डाल रही हूँ, वैसी ही डालिएगा आप भी। 2 ब्रेड को रफली इस तरीके से हाथों की मदद से बारीक बारीक पीस कर लीजिए और इसका ढक्कन ढक कर बहुत अच्छा बारीक ब्लेंड कर लीजिए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं हल्का सा अच्छा खासा ब्लेंड हो गया, तो मैंने थोड़ा सा कलर के लिए ग्रीन फूड कलर डाला है। अब आप ऑप्शनल है, नहीं डालना तो कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा पीसा जाए तो इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए। अब इसके ऊपर स्टील की वाटी रख दीजिए, गरम कोयला डालकर उसके ऊपर थोड़ा सा तेल घी या मक्खन डाल दीजिए ये कोयले के ऊपर, क्विकली ढक्कन ढककर कुछ वजन रख दीजिए और इसे तकरीबन 15-20 मिनट या 25 मिनट इसी तरीके से ढका हुआ साइड पर रहने दीजिए।
20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये कोयले को फेंक दीजिए, स्टील की वाटी को हटा दीजिए। अब ये जो आपने मिक्सचर है ना हमारे चिकन का, इसे इक्वली 12 पोर्शंस में मैं डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं 12 सीप बना रही हूँ। आप बड़ी बड़ी बना रहे, 6 बना रहे तो 6 पोर्शन कीजिए। चलिए अब एक पोर्शन को लीजिए, तेल या पानी से ग्रीस कीजिए, कांडी लीजिए या सीख लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके से एक पोर्शन को लगा दीजिए। फैलाने के बाद इस तरीके से मार्क्स दे दीजिए हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से, और इसे साइड पर रख दीजिए। बन गई हमारी एक सीख, इसी तरीके से सारी बना लीजिए। अच्छा, फर्ज करो कि अगर आप ये डिवाइड कर रहे हो और उसी समय आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और सीख में कन्वर्ट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप चाहें तो एक जो ब्रेड है उसके पीसेस करके इसे फिर से मिक्सचर के अंदर डालकर, जार के अंदर डालकर अच्छा ब्लेंड कर लें, या फिर आप एक टेबल स्पून भुना हुआ बेसन डालकर मिक्स कर लीजिएगा, तब मिक्सर जार में डालने की जरूरत नहीं, और उसके बाद डिवाइड कीजिएगा पोर्शन में। या फिर आप ये दोनों चीज नहीं करना चाहते तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए ढककर। जब अच्छी बॉडी पकड़ी जाएगी ये जो हमारे मिक्सचर के अंदर चिकन के, उसके बाद उसको इक्वली डिवाइड करके फिर सीख में कन्वर्ट कीजिएगा। आप चाहे तो इसे स्टोर रख के 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। अब आप जब कांडी में डाल देते हैं तो फ्रिज में 1 घंटे के लिए नीचे रख दीजिए। जब 1 घंटा हो जाता है तो चाहे तो कांडी में से निकाल लें और जिप लॉक बैग में डाल दें, या फिर आप एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रीजर में रख दें, 1 हफ्ते तक रख के खा सकते हैं। जब भी दिल करे निकाले, थॉ करें और फिर फ्राई करें। तो ये बन गई बढ़िया सी 12 सीख। मैं 6 अभी बना रही हूँ और 6 रख देती हूँ फ्रिज में रात के लिए। तो सबसे पहले मक्खन डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए फ्राई पैन के अंदर, और फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलकर जितनी आपको सीख डालनी है वो सारी, मैं तो 6 बना रही हूँ जैसे आपसे कहा, तो ये सारी 6 डालकर इसे फास्ट आंच पर पकने दीजिए। जब आधा मिनट हो जाए और आपको लगे कि पीछे अच्छा शेप पकड़ लिया है चिकन का, तो फिर उलट पलट करते जाएं, चारों ओर से डार्क स्पॉट्स फास्ट आंच पर दिला दें। जब ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाए चारों ओर से, तो ये चिकन को निकाल लीजिए सीख को। अब जब तक, अब पकने का टाइम इसका ये है कि जब तक आप इसे ग्रिलिंग स्पॉट्स देंगे ना, तब तक तो ये अंदर से पक भी जाएगी, क्योंकि अच्छी खासी पिसी हुई है, और इसे तकरीबन 2-3-4 मिनट में तो ये आराम से ग्रिलिंग इफेक्ट्स भी दे देगी और अंदर से पक भी जाएगी। चलिए, चारों ओर से डार्क स्पॉट्स आ गए, अंदर से पक भी चुकी होगी, 3-4 मिनट हो गए हैं पक के चूल्हे पे, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मज़ेदार से बने हैं। चलिए अब आप क्या करें, तो ऐसे ही आप चाहें तो कांडियों के साथ ही सर्व करें, या फिर मेरी तरह कांडियाँ हमें से निकाल लीजिए और सर्व कीजिए प्याज के साथ। और मैं ना क्या कर रही हूँ, एक अलग ट्विस्ट दे रही हूँ इसको, ग्रीन मायो के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। है ना बढ़िया सा ट्विस्ट, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इनके साथ ये। अगर आपको ग्रीन मायो डिप की रेसिपी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ज्यादा लोग होंगे तो मैं जरूर बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। तो ये बन गए हमारे बढ़िया से मजेदार से, अंदर से एकदम जूसी थे और इतने सॉफ्ट थे ना, सच्ची में मजा आ गया खा के हमें तो। और तो ये बन गए हमारे ग्रीन सीख कबाब विद ग्रीन मायो डिप, मजेदार से जबरदस्त एकदम। तो अगर आपने मेरी ये दोनों में से कोई भी रेसिपी बनाई हो और आपको अच्छी भी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा ये वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसकी लिंक फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। तो फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। मुझे दुआओं में याद भी जरूर रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।